हेलो एवरीवन, दिस इज़ नूर फ्रॉम दी वन मैन शो। और आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.3 ऑफ चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड 10th अलजेब्रा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.3 प्रोबेबिलिटी का स्टैंडर्ड 10th के लिए अलजेब्रा के लिए। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो मतलब कि 5.1 और 5.2 नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा सबसे पहले जाइए प्लेलिस्ट में ऊपर और वो वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि ये जो 5.3 हम करने वाले हैं इसमें कुछ नया नहीं है, एक स्टेप हम उसके आगे बढ़ेंगे और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसी तरह से सैम्पल ऑफ स्पेस निकालना है, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस निकालना है। यहाँ पर आपको इवेंट्स दिए हुए हैं, वो इवेंट्स भी निकालने हैं और उनके नंबर ऑफ इवेंट्स भी निकालने हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। द मेन क्वेश्चन इज राइट सैम्पल स्पेस number of sample space, also write A, B, C event and number of A, number of B and number of C। यहाँ भी अब तक probability निकालने का question नहीं आया है, वो question आपको next वाले practice set में आएगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से करते हैं इसे। One die is rolled, तो ये है हमारा sample space, एक die roll किया गया। तो जब इसका answer मैं करूँगा तो answer में देखिए कुछ इस तरह से करूँगा कि if one die is rolled तो sample space क्या बनेगा। एक डाई अगर रोल किया जाए तो उसका जो सैंपल स्पेस बनता है उस डाई के फेस पर या तो 1 आएगा अपर फेस पर, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4, या 5, या 6, इस तरह के नंबर्स आएंगे जब आप एक डाई रोल करते हैं, एक पासा फेंकते हैं। तो नंबर ऑफ एस क्या बनता है, नंबर ऑफ एस बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 6। अब इवेंट ए क्या है, देखिए इवेंट ए इज इवन नंबर ऑन द अपर फेस। इवन नंबर का मतलब होता है दोस्तों वो नंबर जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाए। तो कौन कौन से हैं, 2, 4 एंड 6, दीज आर दी इवेंट नंबर। तो मैं 2, 4 एंड 6 लिख लूँगा और नंबर ऑफ ए में मैं लिखूँगा 3। अब देखते हैं इवेंट बी क्या है। इवेंट बी इज ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, वो सारे नंबर जो 1 से 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, जो कि होंगे 1, 3 एंड 5। तो ये सारे नंबर क्या है, ऑड नंबर। तो इन्हें मैं कहूँगा नंबर ऑफ बी कितना है, 1, 2, 3। तो यहाँ लिख दूंगा 3। अब देखते हैं इवेंट सी क्या है। इवेंट सी इज अ प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। प्राइम नंबर मतलब जो खुद के और 1 के टेबल में आते हैं। तो मैं कहूँगा 1, 2, 3 एंड 5। ये सारे नंबर जो है वो 1 के और खुद के टेबल में आते हैं। 1 को हम प्राइम नंबर कहते भी है, कंपोजिट भी नंबर कहते हैं, और इससे ये भी कहा जाता है कि इट्स नॉट अ प्राइम नंबर नाइदर अ कंपोजिट नंबर। तो ये है भी नहीं भी, तो हम इसे भी कंसीडर करते हैं। और नंबर ऑफ सी यहाँ पर आएगा हमारा 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देख लीजिए पहले कि ये है क्या। यहाँ पर कहा गया है कि 2 digits आर रोल साइमल्टेनियसली। अब एक डिजिट, 2 dice आर रोल साइमल्टेनियसली। एक डाई रोल होता था तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बनता था। अगर 2 die रोल होंगे तो सैम्पल स्पेस किस तरह से बनेगा। एक बार 1 के साथ 6 तक नंबर जाएंगे, एक बार 2 के साथ, एक बार 3 के साथ, एक बार 4 के साथ, एक बार 5 के साथ और एक बार 6 के साथ। तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 एंड 1, 6। उसी तरह से 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 एंड 2, 6। उसी तरह से 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5 एंड 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 एंड 5, 6 एंड 6, 1, 6, 2,
6 3 6 4 6 5 and 6 6. इस तरह से वन के साथ एक डाइपर वन आया, उसके साथ वन, वन के साथ टू, वन के साथ थ्री, फिर एक टू आया, वन टू, इस तरह से टोटल 36 होगा. नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर हम गिनेंगे तो वो कितना होगा यहाँ पर, इट विल बी 36. ठीक है, अब देखिए इवेंट ए क्या है. तो दोस्तों इवेंट ए कुछ इस तरह से है कि सम द सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6. जो सम ऑफ डिजिट ऊपर बनेगा वो मल्टीपल ऑफ 6 होगा. तो देखिए मल्टीपल ऑफ 6 मतलब 6 का टेबल, तो मैं ये 15 को मान सकता हूँ, 15 बनेगा, है ना. 24 ये भी 6 हो जाएगा, 33 ये भी 6 हो जाएगा, 42 ये भी 6 होगा, 51 ये भी 6 होगा. तो ये सारे 6 के मल्टीपल है, और आखिर में ये 6 6 12 ये भी होगा. तो आइए देखते हैं कौन कौन सा बन रहा है. एक बन रहा है 15, एक बना 2 6 2 4 उसके बाद में बना 3 3, उसके बाद में बना 4 2, फिर बना 5 1, और लास्ट में एक और बना 6 6. जब हम इन्हें गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6. तो नंबर ऑफ इवेंट ए क्या बनेगा भाई, इट विल बी 6. तो इस तरह से इवेंट ए हो गया. अब देखते हैं कि इवेंट बी के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है. इवेंट बी के लिए हमारे पास दिया हुआ है कि द सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज मिनिमम 10. जो अपर फेसेस पे दो डिजिट आए हैं उनको ऐड करने के बाद उनका सम कम से कम 10 हो, 10 से बड़ा हो, 9 ना हो, तो वो वाले नंबर्स हमको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे. सबसे पहले जो मैंने अंडरलाइन पहले किया हुआ है मैं वो मिटा देता हूँ. आप चाहे तो उसमें पेंसिल यूज़ कर दे तो ये आपको बड़ी आसानी होगी इसमें. अब देखिए बी कितना होना चाहिए, 10. 10 शुरू कहाँ से होगा, आई थिंक 4 6 से, ठीक है, फिर 5 5 और 6 4, ये 5 6 भी होगा, 6 5 होगा और 6 6 होगा. ये सारे 10 से बड़े हैं या 10 बनता है इनको मिला के. तो सबसे पहले होता है 4 6 4 6, उसके बाद में 5 5, फिर 5 6, फिर इसके बाद में 6 4 6 5 and 6 6. इस तरह से अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ बी कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6. इन सबको आप अगर ऐड करके देखेंगे तो 10 ही होगा या 10 से बड़ा होगा, 10 से छोटा नहीं होगा. तो आइए देखते हैं इवेंट सी क्या है. इवेंट सी इज द सेम डिजिट ऑन अपर फेस. अपर फेस पर दोनों में भी सेम डिजिट आए. पहले ये मिटा लेते हैं जो हमने पहले किया था, ठीक है. अब सेम डिजिट देखिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6. तो इस तरह से सी का सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6. जब आप हम इन्हें काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 6. देयरफॉर नंबर ऑफ सी कितना होगा, 6 होगा दोस्तों. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. सबसे पहले एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है क्या. देखिए यहाँ पर है 3 coins are tossed. अगर 3 coin टॉस किए जाए तो क्या क्या हो सकता है वो करना है. अगर 3 टॉस में कॉइन करता हूँ तो इस तरह से सैंपल स्पेस बनेगा. एक बार हेड 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 आएगा, फिर हेड को यहीं रखते हुए मैंने बीच वाले को टेल कर दिया है, फिर इस हेड को यहीं रख के मैंने लास्ट वाले को टेल कर दिया है, और फिर इस हेड को चेंज करके मैंने टेल करके बाकियों को हेड रखा है. उसी तरह जहाँ जहाँ ऊपर हेड थे मैंने नीचे टेल कर दिए. हेड 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 की जगह टेल टेल टेल, हेड टेल हेड की जगह टेल हेड टेल, हेड हेड टेल की जगह टेल टेल हेड, और टेल हेड हेड की जगह हेड टेल टेल. इस तरह से टोटल 8 बन के आए हैं. तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 बना. अब इवेंट ए क्या है देखिए. इवेंट ए है दोस्तों टू गेट एटलीस्ट 2 head. इवेंट ए है कम से कम 2 head का मिलना. तो आप देख सकते हैं 2 से ज़्यादा भी चलेंगे तो कितने बनेंगे. सबसे पहला वाला हेड हेड हेड, उसके बाद में हेड टेल हेड, उसके बाद में हेड हेड टेल. इसमें कम से कम हर जगह 2 heads है. टेल हेड हेड,
उसके बाद में यहाँ पर देखिए कहीं नहीं है, दो हेड हर जगह, दो टेल है, तो इस तरह से नंबर ऑफ इवेंट ए कितना होगा, 4। अब देखते हैं इवेंट बी क्या है। इवेंट बी अगर हम देखते हैं टू गेट नो हेड, जिसमें एक भी हेड ना हो, तो ऐसा तो एक ही होगा विच इज टेल टेल टेल, तो देयरफॉर नंबर ऑफ बी क्या बनेगा दोस्तों, 1 बनेगा। ठीक है, देखते हैं कि इवेंट सी क्या है। टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, सेकेंड कॉइन पे अगर हेड मिले तो उसके लिए हमें सैम्पल स्पेस बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पर सेकेंड कॉइन पे मिल रहा है हेड हेड हेड, उसके बाद में हेड हेड टेल, इसके बाद में टेल हेड हेड, इसके बाद में टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 4 सैंपल स्पेस बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ सी कितना आएगा दोस्तों, 4। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 5.3। इसके बाद में और 3 क्वेश्चन बाकी है। मैं मान के चलता हूँ कि ये है हमारा पार्ट 1। इसको बहुत ज़्यादा लंबा किए बिना इसे ख़त्म करना चाह रहा हूँ मैं, और जो भी बाकी के 3 क्वेश्चन बच रहे हैं वो हम करेंगे आने वाले हमारे इसके वीडियो के अंदर। तो दोस्तों एक बार अच्छी तरह से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आपको टेंशन लेने की या सर खपाने की ज़रूरत नहीं है, ये आसान है। अगर आप लाइट हार्टेडली और लाइट माइंडेडली बहुत मज़े से इसको करेंगे तो भी ये आपको आ जाएगा। तो दोस्तों पहले वाली भी वीडियोस देखिए, ये भी देखिए, क्योंकि इस चैप्टर में से कोई भी पार्ट ओमिटेड या डिडक्टेड नहीं है, तो इसे हमें अच्छी तरह से करना है। 4 से 6 मार्क के लिए आएगा और मैं यकीन करता हूँ कि आप इसे वीडियो से ही सीख जाएंगे अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें तो। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती है और अपने काम की लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि ये उनके भी काम आए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन आ जाए। दिस इज़ नूर फ्रॉम द वन मैन शो साइनिंग ऑफ।